हेलो फ्रेंड्स, आई जुल्की की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये कोई टेक रिलेटेड वीडियो नहीं है, एक छोटा सा स्टोरी है, छोटा सा कहानी है। सभी छोटे छोटे यूट्यूबर का, छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर का जो अभी अभी नया नया चैनल शुरू किया है। दोस्तों, हम सभी छोटे छोटे यूट्यूबर किसी न किसी बड़े यूट्यूबर को देख के देखते हैं, बहुत सारे पैसे वो कमाते हैं, बहुत सारे फेम उसको मिलता है, बहुत सारे पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। ये सब कुछ देख के हम यूट्यूब चैनल तो एक बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों असली दिक्कत हमें तब फेस करना पड़ता है जब भी हम देखते हैं कि यूट्यूब पे हमें व्यू नहीं मिलता, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइबर नहीं मिलता। यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल क्रिएट कर देने के बाद दोस्तों उसको बहुत सारे और भी बहुत सारी दिक्कत फेस करना होता है। उसका फ्रेंड हो, उसका रिश्तेदार हो, सभी को जाके बोलना पड़ता है, भाई एक बार चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दे, चैनल को एक बार लाइक कर दे, वीडियो थोड़ा सा देख ले, कमेंट कर दे, ऐसे बहुत सारे सब कुछ बोलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जाके उसके वीडियो में शायद 30, 40, 50 या 100 फीट ऐसे कुछ व्यू आते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइबर दिन में शायद एक बढ़ जाए, कभी कभी 4-5 दिन में एक बढ़ जाए। ठीक है, ऐसे ही बहुत खुश होता है हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर। दोस्तों, एक स्टार्टिंग के दिन में एक छोटा सा बिगिनर यूट्यूबर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे दिक्कत फेस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रगल भी करते हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए दोस्तों उसको बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है। एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए उसको मतलब 40-50 शॉट लेना पड़ता है। ठीक है, किसी में साउंड आ गया, किसी में कैमरा गिर गया, ऐसा बहुत सारे होता है, क्योंकि छोटे यूट्यूबर के पास ना होता है अच्छा सा माइक, ना होता है एक अच्छा सा कैमरा, ना होता है एक अच्छा सा ट्राइपॉड। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम उसको होता है। किसी किसी टाइम साउंड आ गया बाहर से, किसी किसी टाइम की कैमरा गिर गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे प्रॉब्लम को फेस करके, ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करके हम जैसे छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर वीडियो बनाते हैं। सोचते हैं कि जो वीडियो हम बना रहे हैं लोग उसको देखेंगे, लोग उसको थोड़ा सा प्यार दे देंगे, छोटा सा एक कॉमेंट कर देंगे, ठीक है, लोग के पास ये वीडियो पहुँचेगा। लेकिन दोस्तों, जो भी छोटे छोटे सारे कंटेंट क्रिएटर है, जो भी छोटे छोटे सारे यूट्यूबर है, उसके सभी के पास भी कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, लेकिन उस सभी के पास दोस्तों सेटअप नहीं होता है, अच्छा सा सेटअप नहीं होता, अच्छा सा माइक नहीं होता, अच्छा सा बैकग्राउंड भी नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आप उसका वीडियो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा देखने के बाद स्किप कर देते हैं। दोस्तों, आप जो भी लोग ये सारे वीडियो देख रहे हैं, उस सबसे मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक थोड़ा सा लाइक कर देना। ठीक है, छोटा सा एक कमेंट कर देना, इससे हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर लोगों को बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है हाँ, कोई तो हमारा वीडियो देख रहा है, कोई हमारा वीडियो पर कमेंट कर दिया है। हम दोस्तों छोटा छोटा यूट्यूबर होते हैं, हम जो बताते हैं वो कभी गलत नहीं होता। हम अगर एक चीज़ आपको बताए, एक ट्रिक आपको बताए, या फिर एक तरीका आपको बताए, वो आपको बताने से पहले हम 10 बार उसको अप्लाई कर चुके होते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं भी कोई बड़ा सा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी बहुत सारे स्ट्रगल करता हूँ। दोस्तों, मेरा एक वीडियो शूट करने के लिए मुझे 30-40 बार रीटेक लेना पड़ता है, स्क्रिप्ट भी तैयार करना पड़ता है, और भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे दिक्कत होता है उसको फेस करके ये सारे वीडियो बनाना पड़ता है। उसके बाद जब हम देखते हैं दोस्तों हमारे वीडियो में 30 या 40 ऐसा कुछ व्यू आता है, लाइक भी नहीं आता, कमेंट भी नहीं आता, तो दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही डीमोटिवेटेड फील होता है। दोस्तों, ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, जब भी आप कोई छोटे से यूट्यूबर, छोटे से कंटेंट क्रिएटर के वीडियो देखेंगे, प्लीज़ उसमें एक लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, अगर उसका चैनल अच्छा लगे उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपके एक छोटे से लाइक, एक छोटे से कमेंट और सब्सक्रिप्शन के बदले उसका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी खुशी मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताना था। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहेंगे तो मेरा वीडियो को भी एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना अच्छा सा, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।